अब हमने कुछ डाले हैं पकोड़े इधर और बस थोड़ा सा हमारा मटेरियल रह गया है और ये हमारे पकोड़े बन रहे हैं। और अब हमने ना खाने के लिए मजीद पकोड़े देने से इनकार कर दिया सबको ना भाई अब कड़ी के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब बाखरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी आपकी दुआएं और हम भी ठीक। और माशाल्लाह जी आजकल जैसे हमारी शॉपिंग चल रही है और ये देखें जी हम रोड क्रॉस करने के लिए शॉपिंग करने के लिए गए, मैं और उस्मीना रोड क्रॉस करने के लिए खड़े हैं और सामने वो जो निशान बना हुआ है रेड सा ना, तो वो जब ग्रीन होगा देखें जी अब हमें मिल जाएगी जगह, मतलब गुजरने का रास्ता, ट्रैफिक रुक जाएगी और पैदल चलने वाले जो हैं वो गुजर जाएंगे। तो जनाब हम जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग के लिए, शॉपिंग शॉपिंग हमने की और इसके बाद फिर मेरी बहू ने कहा कि मामा जान हम आराम से कहीं बैठ के ना तो कोई चाय कॉफ़ी पीते हैं। तो जी जनाब इधर हम कर रहे हैं ऑर्डर, क्योंकि आज बच्चों के दादा और बाबा दोनों घर थे इसलिए हम बेफिक्र हैं। और जी माशाल्लाह घर की रूटीनें, घर के काम तो इसी तरह के होते हैं। अगर कभी मौका मिले आपको ऐसे फ्री मिलके बैठने का बेटियों के साथ बहू के साथ, तो ज़रूर इस मौके को भी इंजॉय करना चाहिए। और जी हमने किया ऑर्डर और जनाब हमारी हॉट चॉकलेट भी आ गई, साथ जो खाने पीने के लिए कुछ मंगाया था वो भी आ गया और मेरी बहू पिक्चर्स बना के भेज रही थी फैमिली में। और फिर मेरे हस्बैंड जो हैं वो कमेंट कर रहे थे कि आप हमें तो घर ही छोड़ गए। हमें तो घर छोड़ गए। तो जी वो मेरी बेटी फिर इस बात पे हंस रही थी कि पापा कमेंट कर रहे हैं जी हमें घर छोड़ गए हैं और आप लोग खुद जो है ना वो बड़े मज़े का रहे हैं। तो हमने कहा जी आपको भी आग करवाते हैं, फिर उनके लिए भी हमने ऑर्डर किया, ये सारी चीज़ें उनके लिए पैक करवाई और बाहर निकलते हुए फिर ये देखें जी और भी लोग ये देखें गरीजनियाँ सारी जो है ना आके इधर अपना टाइम अपनी सहेलियों के साथ एक्सपेंड कर रही हैं। तो फिर मैंने और उस्मीना ने हमने बनाई एक पिक्चर और अपने पकड़े बैग और जी जनाब हम अब फ्रेश होके तो निकलेंगे बाहर। तो भाई मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी जी, पर मौसम है मजे का और नहीं है हवा उसकी ठंड लगती जैसे कल हम आए थे ना बाहर निकले थोड़ी सर्दी सर्दी लग रही थी। और जी अब माशाल्लाह जी हम फ्रेश हो गए, कॉफी शॉफी पी के हॉट चॉकलेट पी के खा पी के, तो घर वालों के लिए भी हमने ऑर्डर कर दिया था और वो पैक करवा के तो हम निकल आए हैं बाहर। अब जाएंगे घर, उनको भी साथ कॉफ़ी शॉफ़ी बना के तो देंगे। तो ये भी जी मार्केट के क्लिप्स हैं मेरे, ये देखें जी जी चुड़ैले जिन भूत पता नहीं क्या क्या बना हुआ है, फ्रूट्स और कुछ इस तरह की चीज़ें। ये जो है ना इनका हेलोइन के नाम से, ये अक्टूबर का जो पूरा माह है ना इनकी सेलिब्रेशन चलती है। तो ये बच्चों के ड्रेसेस ये देखें, इसमें भी ये आपको लुक नज़र आ रही होगी। तो बस वो मुझे नज़र आए तो मैंने तब पिक्चर्स बना ली। और मैं जैसे कि आपको अक्सर बताती हूँ कि मेरा ये जो है ना डेली रूटीन वाला कोई काम नहीं है, मैं तो बस क्लिप्स बना लेती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं एडिट कर देती हूँ। वो देखें जी वो पर वो फंदे लिए हुए हैं भूतों ने, दरख्तों के साथ लटके हुए हैं। फिर बारिश स्टार्ट हो गई। हाय ये प्यार। और जी शॉपिंग करके हम आए हैं घर, क्योंकि माशाल्लाह मेरे प्यारे प्यारे जो चिंतू मिंतू है ना वो मतलब के मोहम्मद अजलान और अमल जहरा, तो उनके साथ अगर मेरा बेटा घर ना हो तो फिर हम नहीं निकल सकते, क्योंकि वो दादा से संभालने जाते, आज दादा और बाबा दोनों घर थे इसलिए हम आए।
और जी तरबूज जो है ये तो मेरा बड़ा फेवरेट है, ये भी हम एक दिन मार्केट से लाए थे, तो ये क्लिप जो है इसमें आ गया, तो मज़ा आया था। लेकिन जितने मज़े के फल पाकिस्तान के हैं ना उतना मज़ा नहीं आता। कलर इसका बहुत अच्छा था लेकिन उतना मज़ेदार नहीं था, जितना मीठा होता है ना उतना नहीं था। माशाल्लाह जी बच्चा अपनी मौजों में लगा हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जी एक दिन हम निकले शॉपिंग के लिए, मैं मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड, और मैं कह रही थी उस दिन समीना से कि मैंने कहा बेटे आज मैं ना आलू अंडे मैं बनाऊंगी, आलू हमने बॉईल किए, लेकिन ये कि हम हो गए लेट। और फिर माशाल्लाह हमारे आने तक मेरी समीना बेटी ने इतने मज़े के आलू अंडे का सालन बनाया ना, यकीन करें बहुत मज़े का, आपको लुक देख के भी अंदाज़ा हो रहा होगा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ना जब बेटियाँ खाना बनाना शुरू करती हैं ना तो टेस्ट खुद ब खुद ही उनके हाथों में आ जाता है, और माशाल्लाह सबको बड़ा पसंद आया आलू अंडे का सालन। और माशाल्लाह जनाब ये हम खा रहे हैं जी आलू अंडे के सालन के साथ तंदूर की रोटी, माशाल्लाह बहुत ही मज़े की, वो जो नान टाइप नहीं होती जिसको हम खमीरी रोटी बोलते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वो उधर से मिल जाती हैं फ्रेश फ्रेश, जब आपका दिल करे ना तो रोटियां वो ले आएँ और इंजॉय करें जनाब, तो बड़ा मज़ा आता है। और माशाल्लाह लायला पढ़ो, कैसे पढ़ते हो लायला अमर, कैसे पढ़ते हो लायला, बट्टा छड़ा लथ गया। चलो खाओ खाओ जनाब खाओ, खाए 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 खा ले, चल तू भी खा ले खा ले खा ले मेरे पुत्र खा ले। देखें मैं तो उधर चली गई ना जल जाए, अब हमने कुछ डाले हैं पकोड़े इधर और बस थोड़ा सा हमारा मटेरियल रह गया है, और इधर हम वाइट चावलों के लिए रखा है पानी, और ये हमारे पकोड़े बन रहे हैं। और अब हमने ना खाने के लिए मजीद पकोड़े देने से इनकार कर दिया सबको ना भाई, अब कड़ी के साथ डाले डॉक्टर साहब डाले डाले। बीबी चाय उठा उठा के खुद पी, इस व्हाइट कप में मैं डालती हूँ थोड़ी सारी चाय, माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा समीना को भी इतना खीरा नहीं पसंद, मुझे ना कुछ खीरों का टेस्ट नहीं अच्छा लगता, ये जो हम आज खीरा लाए ना पहले बुलाते इसका अच्छा टेस्ट, जो बड़े बड़े उनका नहीं टेस्ट अच्छा। और जी इधर हमने बनाई है जी कड़ी और साथ बनाए हैं बॉइल्ड राइस, और माशाल्लाह जी हम सब मिलके खा रहे हैं खाना। और जब मैं पाकिस्तान में था ना मेरा बेटा है शाम, तो इसको कड़ी बड़ी पसंद थी और मुझे भी कड़ी बड़ी पसंद है, मेरे हस्बैंड खा लेते हैं लेकिन कोई बहुत पसंद नहीं है, तो हमने अक्सर ऐसे करना कि मैंने ना बना लेनी कड़ी जनाब, कुछ दिन ही गुजरने ना कोई 10-12 दिन गुजरने तो मैंने कड़ी बना लेनी तो आज ही जो मैंने कड़ी बनाई सबको बहुत पसंद आई। और माशाल्लाह ये जी फिर किसी और दिन का क्लिप है, मेरी बहू ने बनाया है पुलाव, ज़्यादातर खाना उसी ने माशाल्लाह बनाया, तो ये कि कभी कभी मेरा भी दिल होता था कि मैं भी खाना बना लूँ। ये फिर हम अमल के साथ निकले हैं जी बाहर वॉक करने के लिए, और अमल का थोड़ा मूड था लगता है जिससे ख़राब ना, तो चलें फिर आहिस्ता आहिस्ता सही होगी। और कुछ चीज़ें हमने 2-4 लेनी थी मार्केट से, तो
तो हमने फिर ऐसे किया कि अमल को साथ लिया वाकई, और उसके बाद चीज़ें लेके तो फिर हम आ गए हैं घर। तो अमल जो है ना मेरी बेटी थोड़ी सारी छोटी है ना, तो माशाल्लाह जिसकी जो मूडी मूडी बातें हैं ना वो भी बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं माशाल्लाह। हाँ जी जी, और हम गए थे नीचे वॉक करने, तो मुझे स्मीना ने की कॉल कि मामा जान कुछ चीजें ले आए, फिर मैं ये लेके आई हूँ गाजरें और ये इसको पार्सले चाहिए था, शिमला मिर्च खीरा लाई हूँ, और ये मैं नजर आया नारियल। अब इसको तोड़ने का मसला पता नहीं अब टूटेगा कैसे बेटे, ये आपने हेल्प करनी है नारियल तोड़ने में।